हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। एक नया फ्रेश ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत है। आज है 6 नवंबर 2024 और आज हम एक शॉर्ट ट्रिप पे जा रहे हैं, तो ट्रिप का जो भी बात है मोटो ब्लॉग सेटअप में देख पाएंगे। तो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल, एक नया फ्रेश ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत है। आज है 6 नवंबर और हम निकल गए घर से, थोड़ा शॉर्ट प्लान किया है। कल रात को ही प्लान किया था, हमको बाहर घूमने जाना है तो बाहर निकल लिया। तो पहले हम गाड़ी को फ्यूल अप करेंगे, फ्यूल अप करके फिर निकल जाएंगे। तो हम कहाँ जाएंगे ये बात आगे बताते हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग। और सामने पेट्रोल पंप है, वहाँ से गाड़ी को फ्यूल अप करेंगे, फिर ट्रिप के लिए आगे निकल जाएंगे। सामने इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, यहाँ से गाड़ी को फ्यूल अप करेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। देखता हूँ कितना गर्दी है, तो गर्दी तो नहीं दिख रहा है। चलो तो गाड़ी का फ्यूल अप कर लिया है, गाड़ी में 550 का फ्यूल अप किया है क्योंकि। और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये बताता हूँ। अभी हम जा रहे हैं अलीबाग, अलीबाग में 3-4 बीच घूमेंगे और रात को वहाँ पे स्टे करेंगे। तो कुल मिला के पूरा तैयारी के साथ हम जा रहे हैं, हम दोनों जा रहे हैं, हम अकेले नहीं, दोनों जा रहे हैं। तो बहुत दिन से मैं प्लान कर रहा था जाने के लिए, नहीं हो रहा था, तो अचानक कल रात को प्लान किया और बोले चलो निकल जाएंगे, दो दिन घूम के आता है। और रूट आप लोगों को बता देता है कहाँ से हम जा रहे हैं। यहाँ से सीधा निगड़ी जाएंगे, निगड़ी से सीधा देव रोड होके लोनावाला होके खोपोली, और खोपोली से लेफ्ट टर्न मार के सीधा अलीबाग का तरफ। तो कुल मिला के 150 किलोमीटर तक हो जाएगा हमारा राइट। ये पूरा ट्रैफिक हमेशा रहता है। अभी शुरू किया जब भी जर्नी तभी तो पता चल ही जाएगा। तो आगे जाके आप लोगों को दिखाता है हाईवे में जो मज़ा हम लोग लेंगे आप लोग भी देंगे। तो चलो हाईवे सामने देखिए, हमारा देश का शान मान जान भारत का पताका है, ये भक्ति शक्ति चौक है। तो चलिए और थोड़ा आगे जाके आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी देखिए आप लोग देख पा रहे हैं ये सामने, ये सबसे फेमस पतक है हमारा देश का, और ये है भक्ति शक्ति चौक। यहाँ से हमारा एक्चुअली मुंबई पुणे ओल्ड जो हाईवे बोलते हैं यहाँ से चालू हो जाता है। तो यहाँ से राइट मारेंगे, देखिए चौक, यहाँ से राइट टर्न मारेंगे, राइट टर्न मार के सीधा पुणे गेट होटल है, वहाँ से सीधा चलेंगे। तो हमको एक्चुअली 8:30 बजे निकलने के था, निकलते निकलते 9 बज गया, थोड़ा काम रहता है वो होते होते हो ही जाता है। बाद बाकी तो देख रहे हैं आप, ये चौक निकल गया है। अभी आगे जाके एक्चुअली ऊपर से गया तो और मज़ा आता था, लेकिन हमने पहले गलती कर दिया, फ्यूल अप का चक्कर में दूसरा रोड से आ गया। ऊपर से आया तो आपको जो मेन पताका वो आप लोग देख पा रहे थे। तो चलिए कुछ नहीं, ये जो मेन हाईवे है अभी पकड़ लिया है। जब ये रोड पे आता हूँ ना तो अपना दिमाग का जो थकान होता है ना सब दूर हो जाता है, टेंशन पानी सब दूर हो जाता है। रोड भी इतना बढ़िया है। तो मैं जब भी ये अंदर सिटी में घूमता हूँ, जब ये साइड में आने का होता है ना, इतना अच्छा लगता है ना, बहुत बढ़िया। और बाइक में बैठा है तो अपना जो दुख दर्द टेंशन सब भाग जाता है। अभी हम लोग एक्चुअली थोड़ी देर में देव रोड आने वाला है, देव रोड का बात। और गाड़ी का तो नाश्ता करा दिया, फ्यूल अप करा लिया, अभी हमारा भी नाश्ता करने का बाकी रहेगा। तो आगे जाके देव रोड है, तो देखिए देखेंगे जहाँ पे अच्छा वाला आउटलेट मिलेगा नाश्ते का वहाँ पर रुकेंगे, रुक के नाश्ता पानी करेंगे। और रोड तो आप लोग देख ही पा रहे हैं, एकदम बढ़िया रोड। हाँ, गाड़ी को आप लोग मन पसंद हिसाब से भागा सकते हो, एकदम बढ़िया, एक नंबर रोड। और अलीबाग जाने के लिए मुझे बहुत पहले से ही प्लान था, लेकिन नहीं हो पा रहा था। मैं बोला कोई साथ में रहेगा तो अच्छा रहेगा, कंपनी दे देंगे। तो
बहुत तेजी से हम लोग निकल के जा रहे हैं। और फुटेज वगैरह कैसा आ रहा है नहीं आ रहा है सर, आप लोग थोड़ा कमेंट कर देंगे तो हमको भी अच्छा हो जाएगा। और पहाड़ सामने से, मुझे पहाड़ दिखाई दे रहा है सामने, देखिए देवरोड कैंटोनमेंट। एक्चुअली ये पूरा मिलिट्री एरिया है, ये पूरा मिलिट्री एरिया है, उसका बीच में से रास्ता है। इतना खूबसूरत जगह देख के रुक गया, इतना बढ़िया जगह है ना। अरे देखिए ये साइड में पहाड़ और ये साइड में रास्ता, पूरा एक नंबर। तो यहाँ पे पानी पीने के लिए रुका था, पानी पीने पी लिया। तो चलिए आगे, और बढ़िया नज़र रहेगा वो सब हम लोग दिखाता है। सामने दो पहाड़ मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं क्या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन एकदम हरा दो पहाड़ एकदम हरा हरा है। ये निकल के अभी गाड़ी का फ्यूल अप तो कर लिया था, गाड़ी का खाना तो खिला दिया, अभी हमारा कुछ तो नाश्ता करना पड़ेगा, भूख लग रहा है थोड़ा। तो नाश्ते के लिए देखते हैं आगे कौन सा आउटलेट मिलता है अच्छा वाला। डोसा खाने का बहुत मन हो रहा है, डोसा अगर किधर मिल गया ना अच्छा वाला तो डोसा खाएंगे। मिसल विसल नहीं खाएंगे, ऑयली चीज़ कुछ भी नहीं खाएंगे। ऐसे नजर ना रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलता है भाई, बाहर निकलो कुछ देखो कैसा है, चारों साइड पहाड़ बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया पूरा देख के। एक्चुअली मैंने एचपी पेट्रोल पंप से पेट्रोल हमेशा भरा था, वो आज मिला नहीं, इंडियन ऑयल का मिला, तो इंडियन ऑयल में भी बहुत अच्छा है सुना मैंने, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, इंडियन ऑयल भरा लिया। तो बीच बीच में जब टाउन गांव आ जाता है ना तभी थोड़ा भीड़ हो जाता है, लेकिन अभी भीड़ बहुत कम है। हाँ, तो आगे का जो रोड है आप देख ही पा रहे, आपका सामने है नीरा बिक्री केंद्र, यहाँ से बटगांव 60 किलोमीटर का। भाई साहब किसका इंतजार कर रहे हैं खड़ा होके। और एक्चुअली हाईवे का नाम है NH 48, ऐसे मुंबई से गुजरात से लेके सी नागालुंगा। सबको आगे चलना है, सबको आगे जाना है। अभी यहाँ से जो रोड गया है ना, आप राइट मारेंगे तो चाकन और सीधा मुंबई। तो मुझे एक्चुअली मोबाइल होल्डर लगाना था, मैं बहुत देख रहा था कहाँ पे मिलता है क्या नहीं, यहाँ पे पूरा चश्मा बिक रहा है, लेकिन मोबाइल होल्डर किधर मिल गया ना तो हम उधर रुक जाएंगे और मोबाइल होल्डर लगा लेंगे। देखो रास्ते में क्या जा रहा है, बढ़िया है ना, लेगा तो वहाँ से कर लो। और बढ़िया सा रोड से बढ़िया सा स्पीड में कप करके हम चले जा रहा है। और राइट का पहले 40 किलोमीटर पूरा हो गया एग्जैक्ट 10:29 पे। तो और आज बाइक पे जो एवरेज हो रहा है वो 62.7 इस हिसाब से दे रहा है, तो ऐसा माइलेज देंगे तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि हम चारों साइड पहाड़। वही देखे एक राइडर भाई जा रहा है, ऐसा बाइक चाहिए राइड करने के लिए। चलिए हमारा क्या है, हमारा बजट का हिसाब से चलना पड़ता है, इसके लिए हमको जमता नहीं है, लेकिन ऐसा कभी इच्छा हुआ भगवान का तो ऐसा बाइक हम जरूर लेके दिखाएंगे। इधर रुके क्या, थोड़ा नाश्ता कर ही लेते हैं, बहुत अच्छा जगह लगा मुझे। एकदम बढ़िया सा व्यू पॉइंट, ये देखिए चारों साइड पहाड़ है और यहाँ से रास्ता गया है सीधा यहाँ पे, और ये होटल दत्तरी पर, और ये हमारा यहाँ पे बैठ के नाश्ते के लिए मिशल पे ऑर्डर किया था आ गया। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं और बाद में आप लोगों से बात करते हैं। ऐसे नाश्ता वगैरह हो गया, मस्त नाश्ते में एक मिसल पाव लिया था और एक ब्रेड आमलेट खा के पूरा मज़ा आ गया और बॉडी में थोड़ा एनर्जी भी आ गया। अभी चलाता हूँ, अभी सीधा जाके
लोनावाला जाके ही रुकेंगे, बीच में किधर नहीं रुकेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो गया। हमें 12-1 बजे तक कैसे भी पहुंचना है। बढ़िया रास्ता, बढ़िया लोकेशन, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। पीछे हमें एक कार बहुत फॉलो जोर से फॉलो कर रहा है, हमारा आगे जाना चाहता है शायद। अगर हमने साइड दे दिया, अगर जाना चाहता है तो जा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पेट्रोल है, अभी टाइम हो रहा है 11:11 और हम पहुंच गए बारसोली ट्रोल। ये क्रॉस करेंगे और यहाँ से लोनावाला आपका 6 किलोमीटर है। तो चलिए वापस लोनावाला जाके आप लोगों से बात करते हैं। तो पहुंच गए लोनावाला, ऊपर से जा रहे एक्सप्रेस हाईवे और सीधा हम जाएंगे। और लोनावाला में एक्चुअली यहाँ पे मंगल लाल चिक्की बोल के, मतलब चिक्की, कोई भी चिक्की हो, यहाँ पे बहुत फेमस होता है। हर दुकान में, हर रास्ता में, गली गली में चिक्की का दुकान दिखाई दे देता है। वाला हिल पॉइंट, तो यहाँ से बढ़िया सा आप लोगों को हिल पॉइंट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 5 मिनट का रेस्ट लेता हूँ। बढ़िया सा व्यू पॉइंट देख लीजिए आप लोग, ये लोनावाला व्यू पॉइंट है। पहले चौली यहाँ पे प्लेन हुआ करते थे, लेकिन अभी यहाँ पे ना पूरा जाली वगैरह लगा दिया है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। पूरा नीचे तो इतना खाई है, बहुत खाई है। और सामने तो दिखाई दे रहा है वहाँ पे थोड़ा बंगला बिंगला, वहाँ पे भी रिसोर्ट वगैरह होटल वगैरह रहेगा। और यहाँ का नज़र ऐसा है। अभी लोनावाला व्यू पॉइंट ख़त्म किया, अभी आया खंडाला व्यू पॉइंट। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया व्यू पॉइंट है, आप लोग देख सकते हैं आगे जो बाजू में लेफ्ट साइड राइट साइड में। ये देखिए यहाँ पे सब फोटो शूट हो रहे हैं, सब राइडर लोग यहाँ पे खड़ा है भाई लोग। और यहाँ से बहुत बढ़िया, और यहाँ से खोपोली मेरे ख्याल से 10-12 किलोमीटर आएगा। खोपोली जाके फिर वहाँ से लेफ्ट टर्न मार के हमें अलीबाग का तरफ जाना है। और यहाँ का घाट जो है भाई, इतना डेंजर है ना, बहुत डेंजर घाट है। ये देखिए चारों साइड पहाड़ी, और व्यू जो है ना हरा हरा कलर, एकदम बढ़िया। रुक गए तो ऐसे रहते हैं इन लोग। और ऐसा खूबसूरत जगह है, इतना मतलब कैमरा बंद ही नहीं करने का मन कर रहा है। बीच में से थोड़ा थोड़ा पहाड़ भी दिख रहा है और साइड से बिल्डिंग भी है। पुणे बॉम्बे का हाईवे जो खोपोली से राइट टर्न मारना पड़ता है अलीपुर खालापुर पेन, हमको पेन मतलब सीधा जाना है। तो वो रास्ता क्रॉस करके अलीबाग का रास्ते पे आ गया। मेरे ख्याल से खोपोली से 10 किलोमीटर आगे आ गया, क्योंकि वहाँ पे रास्ता थोड़ा ख़राब था, इसके लिए मैं ब्लॉगिंग नहीं किया, बनाया हुआ है मेरे ख्याल से। लेकिन आगे जाके टोल का काम होने वाला है क्या नहीं कुछ पता नहीं, लेकिन टोल तो बना हुआ है। जब खर्चा किया है तब तो टोल तो लेने वाला है, अगर रास्ता अच्छा हो गया तो कुछ टेंशन नहीं है। हम गलत रास्ता से नहीं है, नहीं नहीं बराबर है। और सामने का व्यू बहुत है, बहुत अच्छा है, खूबसूरत व्यू है। अभी हम मुंबई गोवा हाईवे पे है, ओल्ड वाला जो मुंबई से गोवा जाता है, ये रोड अभी कंक्रीट का बन गया है। तो कुछ भाग जब हम मालीबाग जाते हैं ना, ये रास्ते पे, ये रास्ते से जाता है, तो डब्ल्यू स्टील डॉल्बी वर्क, JSW स्टील डॉल्बी वर्क, मतलब यहाँ पे कंपनी है। तो ये हमारा देश का शान है, यहाँ से सब कुछ बनता है, स्टील का जो भी सामान वगैरह यहाँ से बन के आता है। सामने नदी है, थोड़ा पतला सा रोड है यार, मोटी मोटी गाड़ी यहाँ से सब जा रहा है। ये देखिए बोला था कि नदी क्रॉस करना है, देखिए नदी। तो यहाँ से एक्चुअली अलीबाग का जो खुशबू होता है यहाँ से चालू हो जाता है भाई लोग। ये है नदी, ये नदी में मतलब समंदर का पानी अप डाउन होता है जब भी। अभी देखिए ज्वार है, मतलब पानी ऊपर है। अभी यहाँ से सीधा और 18-20 किलोमीटर रहेगा अलीबाग, ज़्यादा दूर नहीं है। अभी हम चला जाएंगे फटाफट, अभी टाइम हो रहा है 12:57, मतलब
हम सोचते थे एक बजे टाइम एक बजे पहुँचेंगे, लेकिन आधा घंटा ले पूरा साइड में पानी भर जाता है, मजा आता है लेकिन ये रोड पे है। इसी पेट्रोल पंप राइट साइड में, लेकिन पेट्रोल हमारा फुल है, कुछ टेंशन नहीं है। जाएंगे फिर आएंगे, फिर भी पेट्रोल ख़त्म नहीं होगा, इतना पेट्रोल हमारा गाड़ी में अभी है। दो साइड से घास देखे कितना अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और अलीबाग रह गया अभी 15 किलोमीटर, सिर्फ 15 किलोमीटर रह गया। इधर से टैंकर है, तेल का टैंकर है, इसके लिए राइट नहीं दे पा रहा है, थोड़ा आगे चला जाता है। पतला सा रोड है, गाड़ी बहुत ज़्यादा है, तो धीरे धीरे जाएंगे यहाँ से, ज़्यादा या नहीं करेंगे। ये है टैंकर, तो भाई साहब को साइड देने को नहीं हो रहा है। हम यहाँ से निकल जाएंगे, निकल गया। अभी आ गया हमारा बालेश्वर, ये है बालेश्वर कॉटेज। बुकिंग तो यहाँ पे है, छोटा छोटा बच्चे लोग खेलते हुए और बहुत दूर दूर से। ये देखिए इधर भी एक्टिविटी कर रहे हैं नाव से, ये देखिए चालू हो गए, ये भी एक नाव है, इधर भी एक नाव है, वो देखिए उधर स्पीड बोट में सब जा रहा है। तो हम लोग पहुंच गए अलीबाग नागांव बीस, जो बालेश्वर कोटेज था, बुक किया था, वहाँ पे आके रूम मिल गया। रूम बहुत बढ़िया रूम है, दो लोगों के लिए बहुत अच्छा है, वॉशरूम वगैरह सब है, सब आप लोगों को दिखाता हूँ। ये बिस्तर है, दो लोग आराम से सो सकते हैं। यहाँ पे फैन है लेकिन नॉन एसी है, हम लोग एसी वाला लिया नहीं, एसी का कुछ प्रॉब्लम रहेगा नहीं। और वॉशरूम में एक आध बंदा गया हुआ है रहेगा। ये बाहर से, इधर से कॉटेज है, बाहर का है, थोड़ा नज़र बहुत अच्छा है। और ये रूम है, इसलिए अलीबाग तक जो वीडियो था यहाँ पे था, वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हो। इसका जो द्वितीय दो भाग मतलब पार्ट टू, वो इसके बाद शूट होने वाला है। तो हम लोग अभी अच्छे से पहुँच गया, कुछ टेंशन नहीं हुआ, रास्ता भी बहुत अच्छा से ही निकल गया। अभी आया इधर, यहाँ पे आके अभी नहाऊँगा धोऊँगा, थोड़ा आराम करूँगा, फिर शाम का टाइम में बीच में जाऊंगा, वहाँ पर थोड़ा चिल करेंगे, फिर रात को आराम करेंगे, फिर निकल जाएंगे। तो यहाँ तक आप लोगों का अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे और साथ में बने रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।